हेलो फ्रेंड्स, विलयन नाम के अध्याय के तीसरे लेक्चर के इस वीडियो में हम लोग द्रवीय विलयन से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। द्रवीय विलयन, दोस्तों, द्रवीय विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव होता है। मतलब ऐसा कोई भी विलयन जिसके अंदर विलायक द्रव है उसे हम बोलते हैं द्रवीय विलयन। अब हमने एक कंडीशन लगा दी कि विलायक द्रव होना चाहिए, बट अभी जो विलेय है उसके पास तीन ऑप्शन है, वो चाहे तो गैस हो सकता है, वो चाहे तो द्रव हो सकता है, वो चाहे तो ठोस हो सकता है। तो ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक द्रव हो, और विलेय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन इस हिसाब से तीन प्रकार के हो गए। पहला प्रकार हुआ गैस, जो कि विलेय है, प्लस द्रव। दूसरा प्रकार हुआ द्रव प्लस द्रव। तीसरा प्रकार हुआ ठोस प्लस द्रव। तो जो हमारा द्रवीय विलयन है वो तीन प्रकार का हो गया। पहला प्रकार हुआ गैस प्लस द्रव, दूसरा प्रकार हुआ द्रव प्लस द्रव, तीसरा प्रकार हुआ ठोस प्लस द्रव। इन तीनों में जो चीज सेम है, जो चीज कॉमन है, वो है कि द्रव विलायक है, और जो चीज अलग अलग है वो ये है कि विलेय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर ठोस हो सकता है। मैं आपको तीनों के उदाहरण देता हूं। गैस प्लस द्रव, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को आपने जल में घोल रखा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आपने जल में घोल रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, जल द्रव है, तो इससे जो विलयन बना है वो है गैस प्लस द्रव। और ये चीज क्या होती है, ये होता है सोडा वाटर। सोडा वाटर जो लोग, हम लोग सोडा वगैरह पीते हैं नींबू शिकंजी बना करके, उस सोडे में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है जल के अंदर। द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव का एग्जाम्पल है अल्कोहल, जो कि एक द्रव है, प्लस जल। ठोस प्लस द्रव का उदाहरण है नमक, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। हम नमक मिलाते हैं पानी के अंदर, वो घुल जाता है अच्छे से, तो वहां जो विलयन बना है वो विलयन द्रवीय है, क्योंकि उसमें विलायक द्रव है और विलेय ठोस है, क्योंकि नमक जो होता है वो ठोस होता है। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए हम जो नियम पढ़ने वाले हैं वो नियम है हेनरी का नियम। इसके लिए जो नियम है वो है राउल्ट का नियम। जब आप राउल्ट का नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे आदर्श व अनादर्श विलयन। मैं आपको फ्लो समझा रहा हूं कि चैप्टर किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जब आप राउल्ट का नियम पढ़ लेंगे, तो फिर आप पढ़ोगे आदर्श व अनादर्श विलयन, उसके बाद आप विचलन का अध्ययन करोगे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, और स्थिर क्वाथि का अध्ययन करोगे। ये सारी चीजें हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो ये था आपका द्रव प्लस द्रव। द्रव प्लस द्रव में आएगा राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम के बाद आदर्श अनादर्श विलयन, उसके बाद में विचलन, और फिर स्थिर क्वाथि। जब आप ठोस प्लस द्रव के विलयन का अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा अणुसंख्य गुणधर्म। और अणुसंख्य गुणधर्म चार होते हैं, तो आप चार अणुसंख्य गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, और अंत में आपको इस चैप्टर के पढ़ना होगा वॉन्ट हॉफ गुणांक। जो चार अणुसंख्य गुणधर्म है वो है वाष्पदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब।
तो ये चार प्रकार के अनुसंगिक गुणधर्म आप पढ़ोगे और लास्ट में इस चैप्टर क्या आएगा, वांट ऑफ गुणांग, और इस तरह से ये चैप्टर खत्म होगा। तो ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ये पूरे चैप्टर की पिक्चर है और इस चैप्टर का फ्लो जो है वो इसी तरीके से रहेगा। और अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक है हेनरी का नियम। तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहां पर आकर देख सकते हैं कि चैप्टर किस जगह पर चल रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हेनरी का नियम, गैस प्लस द्रव विलयन। सबसे पहले तो इसका उदाहरण देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है। डेली लाइफ में हम नींबू शिकंजी में एक चीज यूज करते हैं जो कि है सोडा वाटर। दोस्तों जो सोडा वाटर होता है उस सोडा वाटर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पानी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको पानी के अंदर घोल दिया जाता है और उससे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं सोडा वाटर। अब दोस्तों यहां पर कुछ चीजें हमको समझनी है और अगर वो चीजें आप अच्छे समझ लेंगे तो फिर हेनरी का नियम आपको एकदम आसान लगेगा। वो चीजें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक गैस है और ये अपने आप में एक द्रव है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक गैस को एक द्रव में किस प्रकार से घोला जाता है। तो इसके लिए आप उसी सोडा वाटर वाली दुकान पर जाएं और एक बार ऑब्जर्व करें कि जो ये शिकंजी बनाते हैं वो किस तरह का प्रोसेस काम में लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। इनके पास एक बॉटल होती है, उस बॉटल में एक कंची लगी हुई होती है मार्बल की और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। इस तरह की बॉटल होती है, उस बॉटल में वो पेप्सी जैसी बॉटल होती है दिखने में, उस बॉटल के अंदर पानी भरा होता है और एक कंची लगी हुई होती है। ये लोग क्या करते हैं, उस बॉटल को एक मशीन से कनेक्ट करते हैं। उस मशीन में बहुत सारे खाने होते हैं, दो तीन बॉटल एक साथ लग सकती है, और उस मशीन से कनेक्ट करते हैं। मशीन में एक नोजल होती है, वो नोजल इस बॉटल में फिट हो जाती है। वो जो नोजल है वो इस बॉटल में फिट हो जाती है, इस तरह से अगली नोजल अगले बॉटल में, उसके अगली नोजल अगली बॉटल में। उसके बाद वो उसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद एक हैंडल होता है, उस हैंडल से वो इस सिस्टम को बहुत तेजी से घुमाते हैं। बॉटल लगाने के बाद वो बहुत तेजी से उसको घुमाता है और साथ में एक मीटर लगा हुआ होता है, उस मीटर में प्रेशर आता है। वो उस मीटर को बार बार चेक करता है और जब उसको लगता है कि हाँ उसका काटा एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आ गया है, एक प्रेशर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आ गया है, तो उसके बाद वो इस बॉटल को बाहर निकालता है। और जब वो इस बॉटल को बाहर निकालता है तो अचानक से एक जादू होता है, और वो जादू क्या है, वो जादू ये है कि कंचा बॉटल के टॉप पे आ जाता है और अब जो पानी है वो एक साधारण पानी नहीं है, अब वो इस कंचे को अंदर हिट करता है और उसके बाद जब आपके ग्लास में डालता है तो आपको बुलबुले देखने को मिलते। इसका मतलब यह है कि उसने ये जो कुछ भी किया उसके करने से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है। तो पहले तो आपने दोस्तों समझा कि प्रोसेस क्या है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर हुआ क्या। अब ये जादू किस प्रकार से हुआ वो देखिए, यहां पर जल है, जल अपने आप में एक द्रव है, इस जल के अंदर इस नोजल से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और आप अगर नोटिस करेंगे तो उसके पास एक सिलेंडर भी होता है और दोस्तों उस सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो इस नोजल से इस सिलेंडर से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऐसे तेज तेज घुमा करके वो प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर मतलब दाब। तो ये नोजल से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इस तरह से तेजी से घुमाने पर दाब आता है और जब हम उस गैस के ऊपर दाब लगाते हैं तो दाब लगाने के कारण वो जो गैस है वो इस पानी में घुलना शुरू करती है, वो गैस इस पानी में घुलना शुरू करती है।
जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा वो गैस उस पानी में घुलती जाएगी। अब ये बंदा इस मशीन के थ्रू चेक कर लेता है कि कितना दाब सफिशिएंट है आपके सोडा को तैयार करने के लिए, उतना ही दाब वो लगाता है। और उस दाब को लगाने के बाद इस जल के अंदर क्या घुल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जैसे इस जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है, जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बची है या जो यहां से वाष्पित होकर आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उस कंचे के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है और वो कंचा यहां से हटकर यहां पे आ जाता है। तो कंचा जादू से ऊपर नहीं आया, जैसे ही आपने इसको घुमाया, घुमाने से दाब लगा, दाब के लगने से कार्बन डाइऑक्साइड आपके पानी में घुल गई, पानी में घुलने से उस कार्बन डाइऑक्साइड जो वाष्पित हुई उसने वापस दाब लगाया और उस दाब के लगाने से कंचा आपका ऊपर आ गया। और अब जो पानी है वो एक साधारण पानी नहीं है, उस पानी के अंदर अब कौन घुल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ कि अगर आपको किसी गैस को द्रव में घोलना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसके ऊपर दाब लगाना है। जब आप गैस को दाब के साथ में द्रव के सतह पर लेके आओगे तो वो जो गैस है वो द्रव के अंदर घुल जाएगी। अब दोस्तों मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक चीज पढ़ाई थी, मोल अंश, जिसका फॉर्मूला होता है जिसका भी मोल अंश निकालना है उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब मोल अंश का वास्तव में फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब मोल अंश होता क्या है, तो मोल अंश आपको ये बताता है कि अगर दो लोगों से मिलकर विलयन बना है तो उसमें कौन ज्यादा है और कौन कम है। समझिए जैसे मान लीजिए दो लोगों से मिलकर विलयन बना है, ए से और बी से, ए का मोल अंश है 0.2 और बी का मोल अंश है 0.8, क्योंकि दोनों का योग 1 आता है। तो ए का मोल अंश है 0.2, बी का मोल अंश है 0.8, बी का मोल अंश ज्यादा है, इसका मतलब इस विलयन में बी ज्यादा है। क्योंकि किसी का भी मोल कैसे निकालते हो आप, उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। अगले वाले का मोल अंश कैसे निकालोगे, उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका मोल अंश भी ज्यादा आएगा। मोटी मोटी बात याद रखनी है कि अगर किसी का मोल अंश ज्यादा है इसका मतलब उस विलयन में वो चीज भी ज्यादा है। तो इसको देख करके डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ए और बी के विलयन में कौन ज्यादा है, बी ज्यादा है। तो दाब को जब हम बढ़ाते हैं तो दाब को बढ़ाने पर आपकी जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जल में घुल रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलना शुरू करेगी तो जो विलयन है उस विलयन में अब दो लोग हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल में ज्यादा घुलती है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंश है वो भी जल में बढ़ता जाएगा, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश भी बढ़ता जाएगा। आराम से समझें फिर से, किसी भी द्रव के अंदर गैस को मिलाने के लिए हम उसके ऊपर दाब लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम दाब लगाते हैं तो गैस द्रव में घुलती है। अगर गैस द्रव में घुलेगी तो गैस का जो मोल अंश है वो बढ़ेगा, क्योंकि मोल अंश आपको यही बताता है कि कोई बंदा विलयन में कितना है। अगर किसी का मोल अंश ज्यादा है तो वो बंदा उस विलयन में ज्यादा है। अब यहां पर दाब लगाने पर ये गैस घुल रही है, इसका मतलब गैस का जो मोल अंश है उसमें वृद्धि होगी। तो गैस के मोल अंश में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि हम दाब को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब दाब को बढ़ाने पर मोल अंश बढ़ता है। किसका मोल अंश बढ़ता है, गैस का मोल अंश बढ़ता है, क्योंकि गैस घुलती है। मतलब दाब जो है उसको बढ़ाने पर गैस का मोल अंश बढ़ रहा है, दाब को कम करने पर गैस का मोल अंश कम होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती। तो जो आपका दाब है वो गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। सिंबल लिया है मैंने एक्स, और गैस के लिए आप जी ले सकते हैं। तो यहां से जो दाब है वो समानुपाती आ गया एक्स के, और जब ये हटेगा, आप जानते हैं कि जब भी समानुपातिक स्थिरांक हटता है, जब भी समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है। यहां पर भी स्थिरांक है KH, और KH कहलाता है दोस्तों हेनरी स्थिरांक, ठीक है। तो फिर यहां पे अगर मैं प्रेशर अर्थात दाब और मोल अंश अर्थात x के बीच में ग्राफ बनाऊं तो समानुपाती का ग्राफ दोस्तों ऐसा आता है,
तो इन दोनों का ग्राफ भी ऐसा आएगा। समानुपातिकता का मतलब फिर से समझ लें, समानुपातिकता का मतलब होता है अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो गैस का मोल अंश बढ़ रहा है दाब को बढ़ाने पर, इसलिए दाब समानुपाती है गैस के मोल अंश के। यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है जो है हेनरी नियतांक, हेनरी कॉन्स्टेंट। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम आपको सिंपल सोडा वाटर वाला ही समझा देगा। हेनरी का नियम यह है कि जितना ज्यादा दाब आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, गैस का मोल अंश। मैं लिखता हूं इस नियम को, फिर हम एक बार और देखते हैं। तो आपका नियम होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर गैस का जो भी आंशिक दाब है उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा गैस का आंशिक वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब मतलब प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका उतना ही ज्यादा वो घुलेगा। मतलब अगर आपको किसी गैस को घोलना है द्रव के अंदर तो आपको दाब को क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना, बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते, बट हाँ आपका जो दाब है जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा वो गैस जो है उस द्रव में घुलेगी। और दोस्तों यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे सोडा वाटर का। और सुनिए, जैसे ही आप इसको ग्लास में डाल देते हो, ग्लास में डालने के बाद अगर आपने सोडे को 10 या 5 मिनट तक नहीं पिया तो फिर क्या होगा, बुलबुलों के रूप में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी और आपके पास बचेगा मीठा पानी। अगर आपकी शिकंजी है, सोडा शिकंजी आपने ली, ऑर्डर की है, और सोडा शिकंजी ऑर्डर करने के बाद आपने ग्लास में डाल के उसको रख दिया और आप सोचते हैं कि 10 मिनट बाद पियेंगे, अगर आप 10 मिनट बाद पियोगे तो वो मीठा पानी है, क्योंकि उसके अंदर से सोडा उड़ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ चुकी है, क्योंकि दाब कम हो गया। जब तक वो बॉटल में थी दाब ज्यादा था, आपने बॉटल खोल कर ग्लास में डाल लिया, अब दाब कम हो चुका है, जितना जल्दी हो सकता है पी जाइए, अदरवाइज वो उड़ जाएगी। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो बॉटल है, जो कोका कोला की बोतल है, उस बोतल को जैसे ही आप अगर शेक करके खोलते हैं तो खोलते ही वो बहुत तेजी से बाहर आता है। उसके पीछे क्या रीजन है, जैसे ही आप उसको शेक करते हैं तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होने से वहां पर जो गैस घुली हुई है वो गैस उसको छोड़ के बाहर निकलती है, और जैसे आप उसको खोलते हो वो बाहर आ जाता है। और अगर आप उसको शेक ना भी करें और तो भी हल्का सा खोलें तो भी वो बाहर आएगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब तक वो बॉटल में बंद था तो वहां पे दाब ज्यादा था, ज्यादा दाब होने के कारण विलेयता भी ज्यादा थी, जैसे ही ढक्कन आपने खोला आपने दाब को कम कर दिया, आपने दाब को कम कर दिया, दाब को कम करते ही क्या हुआ, जो विलेयता थी वो भी कम हो गई और गैस बाहर आ जाती। तो अगर रिलेट करेंगे तो ये बहुत बेसिक चीज है, हमारे आसपास हमको देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है बहुत बेसिक, जिससे हमने इस पूरे टॉपिक को समझा है, शीतल पेय पदार्थों अथवा सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो बोतल को हम लोग हाई प्रेशर के ऊपर बंद करते हैं ताकि जो गैस है वो उसके अंदर घुली भी रहे, और जैसे ही आप ढक्कन को खोलते हैं आप प्रेशर को कम कर देते हैं, दाब को कम कर देते हैं और गैस उड़ जाती है। तो पहला तो बहुत सिंपल था, दूसरा जो है उसको अपन अच्छे समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, गोताखोर वो होते हैं जो समुद्र में जाते हैं। मान लीजिए ये समुद्र का तल है, यहां से समुद्र शुरू होता है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हमारा गोताखोर यहां पर है तो उस गोताखोर के ऊपर अगर हम पूछें कि दाब कौन सा लग रहा है तो उस गोताखोर के ऊपर अभी केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एटमोस्फेरिक वायुमंडलीय दाब। बट जैसे जैसे गोताखोर भाई साहब अंदर जाएंगे, जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनके ऊपर कुछ दाब ऐड होता जाएगा और वो दाब होगा पानी का दाब, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा इतना पानी दाब लगाएगा प्लस वायुमंडल लगा ही रहा है, जब यहां पहुंच जाएगा तो इतना पानी दाब लगा रहा है प्लस वायुमंडल लगा ही रहा है। तो मतलब जैसे जैसे ये बंदा नीचे आता जाएगा वैसे वैसे दाब में क्या होती जाएगी, वृद्धि। अब दोस्तों अगर दाब में वृद्धि होती है तो हमने हेनरी का नियम पढ़ रखा है कि अगर दाब बढ़ता है तो गैसों की विलेयता अर्थात उसका मोल अंश भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे गोताखोर नीचे जाएगा वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा, दाब के बढ़ने के कारण उसने जो सिलेंडर लगा रखा है जिससे वो सांस ले रहा है उसके अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो हमारे खून में जो कि एक द्रव है उसमें उसकी विलेयता बढ़ेगी।
आराम समझें, फिर से समझें। जब गोताखोर पानी के अंदर जाएगा तो धीरे धीरे उसके ऊपर दाब बढ़ेगा। दाब के बढ़ने से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसके सिलेंडर में है उसका विलेयता हमारे खून में, देखिए बात वही है, गैस का द्रव में, गैस है सिलेंडर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो, और द्रव है हमारा खून। तो उस खून के अंदर, रक्त के अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की विलेयता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, तो वो घुल जाएगी उसके अंदर। अब बंदा नीचे गया है तो कभी ना कभी ऊपर आएगा, सही बात है। तो जब ये भाई साहब ऊपर आएंगे तो जैसे जैसे ये ऊपर आएंगे वैसे वैसे दाब में क्या होगी, कमी होगी। तो ऊपर आने पर दाब में कमी होगी, भाई नीचे जाने में दाब बढ़ रहा है, ऊपर आओगे तो दाब कम होगा। जब दाब कम होगा तो हेनरी का नियम फिर से लगेगा उल्टा, जब दाब कम हो रहा होगा तो मोल अंश भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब जो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली हुई थी वो अब बाहर निकलेंगी, उनकी विलेयता रक्त में कम हो जाएगी। और अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की विलेयता रक्त में कम होगी तो रक्त को छोड़ करके बाहर आएगी। अब अगर कायदे से देखा जाए तो उनको फेफड़ों के रास्ते से बाहर आना चाहिए, बट क्योंकि एकदम से दाब कम हो गया है और दाब के कम होने से रक्त में जहां जहां भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन थी उसकी विलेयता कम हो गई है तो वो उसी जगह को छोड़ करके बुलबुलों के रूप में बाहर आएगी, और इससे पूरा शरीर जो है वो लहूलुहान हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए ये आपकी नसें हैं और इन नसों के अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है अगर वो बाहर निकलती है तो बुलबुले बनेंगे, बुलबुले बनने से रक्त का प्रवाह रुकेगा, खून के थक्के जम जाएंगे और बहुत सारी मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है इस तरह की कि इंसान की जान भी आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी गोताखोरों के साथ। वापस पढ़ते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है, जब वो नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा। उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि दाब बढ़ गया है तो विलेयता भी बढ़ेगी। जब गोताखोर सतह पर आते हैं, जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं और रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, परिणाम स्वरूप गोताखोरों की अत्यधिक पीड़ा होती है और ये जान के लिए भी घातक साबित हो सकती है। बचे कैसे इससे? और दोस्तों इस अवस्था को बैंड कहते हैं, जो मेडिकल कंडीशन है उसका नाम है बैंड। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम मिला देते हैं। हीलियम एक ऐसी गैस है जिसकी विलेयता बहुत कम है, मतलब वो खून में घुलेगी ही नहीं, तो आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या आ गई, कमी। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से पीड़ा उतनी नहीं होगी और वो घातक नहीं होगी। हालांकि पीड़ा होती है, उसको बचाने के लिए उनको दवाई दी जाती है, सूट वगैरह इस तरह के बनाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें साथ साथ करते हैं हम, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम सिलेंडर में हीलियम भर देते हैं। तो हीलियम के बढ़ने से अब आपकी वायु थोड़ी सी तनु हो चुकी है और हीलियम एक ऐसी गैस है जो रक्त में घुलती नहीं है आसानी से, तो नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, तो दर्द भी कम होगा। तो बैंड से बचाव के लिए गोताखोरों के गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। अब एक और बात, इसका तीसरा अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग का मतलब होता है दुनिया में जहां जहां भी इसका, आप इस लॉ से कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पूरा टॉपिक मैंने आपको इस लॉ से समझाया, ये वाला टॉपिक मैंने आपको इस लॉ से समझाया, तो यही इसका अनुप्रयोग है। तीसरा देखिए, जो लोग दोस्तों पहाड़ी इलाके में रहते हैं या जो पर्वतरोही होते हैं, जब जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल जो है वो कम होता जाएगा। अब देखिए, आप अभी सतह पर हैं तो ये मान लीजिए आपका वायुमंडल है, जब आप किसी पहाड़ी पर जाएंगे तो वायुमंडल पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो दाब भी पहले की तुलना में कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे वायुमंडल की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वायुमंडलीय दाब आपके ऊपर जो है वो कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो यहां पर दोस्तों जो आपके रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुलती है उस ऑक्सीजन के घुलने में कमी आएगी, क्योंकि दाब कम होगा तो मोल अंश भी कम होगा। अब अगर ऑक्सीजन आपके रक्त में ढंग से नहीं घुलेगी तो आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चक्कर आना, थकावट होना, चीजें याद नहीं रहना, इस तरह की समस्या होती है। और इस समस्या को दोस्तों हम बोलते हैं एनेक्सिया। और एनेक्सिया उन लोगों में देखा जाता है जो पहाड़ी इलाके पर रहते हैं या फिर पर्वतरोही होते हैं। पढ़ते हैं, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता रक्त में कम हो जाती है, अतः पर्वतारोही एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में
ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, इसको एनेक्सिया कहते हैं। तो समुद्र में तो ज्यादा हो जाता है और ऊंचाई पर जाने में कम हो जाता है, दोनों ही नुकसानदायक है। तो ये था दोस्तों हेनरी का नियम। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग राउल्ट के नियम पर बात करेंगे। तो आप अच्छे से इसके नोट्स बनाए, चीजों को याद करें और इस पूरे चैप्टर को समझिएगा। चैप्टर को रटने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर बेहद आसान है, अपन को एक एक चीज को समझना है। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।